नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन बुलेटिन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज से 11 दिन बचे हैं चुनाव होने में। वहीं कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुरप्पा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज से 11 दिन बचे हैं चुनाव होने में। वहीं कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार येदुरप्पा के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। येदुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस को हराएगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। येदुरप्पा ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी जेडीएस का समर्थन लेगी, लेकिन मैं यह साफ करना चाहता हूं कि हम खुद राज्य में अपने दम पर सरकार बनाएंगे। येदुरप्पा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कांग्रेस राज्य में 50 से ज्यादा सीटें हासिल नहीं कर पाएगी, वहीं जेडीएस भी 25 सीटों से ज्यादा नहीं ला पाएगी और भाजपा 150 से ज्यादा सीट लाकर कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। बता दें 12 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी पुरजोर ताकत झोंक रही है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आखिर सरकार को सो सो जागने की आदत कब छोड़ेगी। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार सो सो कर जागने की आदत कब छोड़ेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसलिए बोला क्योंकि कोर्ट का कहना है कि सरकार सुधर नहीं रही और बार बार कानूनी मामलों पर सरकार की तरफ से तीसरी बार अपील दायर कर दी, जिस पर जस्टिस लोकुर और गुप्ता की बेंच सख्त हो गई और कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र ने कोई सबक नहीं सीखा और अपना व कोर्ट का समय बर्बाद किया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र बेकार मामलों पर अपील दायर करके जहां एक तरफ खुद पर वित्तीय बोझ बढ़ाती है, वहीं इससे कोर्ट की कार्रवाई पर भी असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की इस गलत नीति के कारण उस पर जुर्माना भी लगाया जा चुका है, लेकिन केंद्र ने इससे कोई सबक नहीं लिया। आगे कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका से सुधार करने के लिए कहा जा रहा है कि लेकिन वास्तव में वह अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू यादव को रांची के रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। वहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। रिम्स में उनकी सुरक्षा को देखते हुए 3 लेयर में इंतजाम किया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू यादव को रांची के रिम्स में भर्ती करा दिया गया है। वहां उनके स्वास्थ्य की जांच की गई है। रिम्स में उनकी सुरक्षा को देखते हुए 3 लेयर में इंतजाम किए गए हैं। रिम्स के जिस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में लालू प्रसाद यादव को रखा गया है, उसमें अलग से 2 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में लालू प्रसाद के साथ उनके सेवक को भी रहने नहीं दिया गया है। मीडिया को भी लालू प्रसाद यादव से दूर रखने की कोशिश की गई है। इससे पहले वह सुबह राजधानी एक्सप्रेस से लालू प्रसाद यादव दिल्ली से रांची पहुंचे। स्टेशन पर उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी बड़े बंदोबस्त किए गए थे। करीब 100 जवानों को स्टेशन पर तैनात किया गया था। स्टेशन से लालू प्रसाद को कड़ी सुरक्षा के बीच सीधे रिम्स ले जाया गया। स्टेशन पर भी मीडिया को उनसे दूर रखा गया, तो वहीं लालू प्रसाद को एम्स से रिम्स में भेजा गया है, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार है। हालांकि एम्स से निकलते वक्त लालू प्रसाद ने अपनी शिफ्टिंग को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि बीमार होने के बावजूद उन्हें रिम्स वापस भेजा जा रहा है। लालू प्रसाद ने कहा कि यह एक सियासी साजिश के तहत किया गया है और अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए एम्स प्रबंधन जिम्मेवार है। जहां देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल ने जनता को परेशान कर रखा है, तो वहीं खबर है कि अब दक्षिण अमेरिकी देश के वेनेजुएला ने पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों से परेशान भारत के लोगों को 30% सस्ता तेल देने का आकर्षक प्रस्ताव रखा है। जहां देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रहे उछाल ने जनता को परेशान कर रखा है, तो वहीं खबर है कि अब दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला ने पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों से परेशान भारत के लोगों को 30% सस्ता तेल देने का आकर्षक प्रस्ताव रखा है, लेकिन उसने इसके लिए एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे पूरा कर पाना भारत के लिए मुश्किल सा साबित हो रहा है। अपनी शर्त के अनुसार वेनेजुएला ने कहा है कि भारत को 30% सस्ता कच्चा तेल देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पेमेंट वह सिर्फ अपने डिजिटल यानी क्रिप्टो करेंसी में ही लेगा। गौरतलब है कि कच्चे तेल की कीमत हाल में $75 प्रति बैरल तक पहुंच गई। ऐसे में वेनेजुएला की यह पेशकश काफी आकर्षक लग रही है, लेकिन भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दिया है। इसीलिए सरकार के लिए डिजिटल करेंसी में भुगतान कर वेनेजुएला से
सस्ता तेल खरीदना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। असल में वेनेजुएला आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऐसे में वह अपनी डिजिटल करेंसी को कई देशों में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। मध्य प्रदेश के साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन बीते 15 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार चुनौती पैतरनी पार करनी है आसान नहीं लग रहा है। चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश के साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में साधु संतों ने एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खबरों के मुताबिक प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए सैकड़ों साधु संतों ने राजधानी भोपाल में अड्डा जमा दिया है। बताया जा रहा है कि ये सब कुछ साधु संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने और नर्मदा नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर नाराज हैं। भोपाल में जमा हुए इन साधु संतों की मांग है कि सरकार ने जिन संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे और नर्मदा को बचाने के लिए जो संकल्प लिया है सरकार उसे पूरा करे। हालांकि साधु संतों के विरोध को देखते हुए पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साधु संत पीछे हटने को तैयार नहीं है। साधु संतों का कहना है कि सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क है। सरकार ने नर्मदा को बचाने के लिए कोई काम नहीं किया और नर्मदा को बचाने के लिए सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। यूपी में गोरखपुर और फूलपुर सीट जीतकर एसपी बीएसपी के गठबंधन को मिली सफलता से अखिलेश यादव बेहद उत्साहित हैं। आलम यह है कि 2019 के फतेह करने के लिए उन्हें अब किसी और साथी की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। यूपी में गोरखपुर और फूलपुर सीट जीतकर एसपी बीएसपी के गठबंधन को मिली सफलता से अखिलेश यादव बेहद उत्साहित है। आलम यह है कि 2019 को फतेह करने के लिए उन्हें अब किसी और साथी की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। शायद यही वजह है कि उन्होंने इशारों इशारों में यहां तक कह दिया कि भले ही कांग्रेस का हाथ छूट जाए लेकिन बुआ और मायावती का हाथी दूर न जाए। दरअसल लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि क्षेत्रीय दलों का गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वहाँ गठबंधन न हो लेकिन दोनों दलों के बीच रिश्ते हमेशा से मधुर रहेंगे। जाहिर है अखिलेश का इशारा इस बात की ओर था कि राज्य में एसपी और बीएसपी का गठबंधन जारी रहेगा, भले इस वजह से कांग्रेस एसपी के दूर हो जाए। अखिलेश के इस बयान से इतना तो साफ है कि वो चाहते हैं कि अगले साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी एसपी बीएसपी का गठबंधन कायम रखें। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी को चुनावी रण में उतार कर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आप भी सुनिए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पीएम मोदी को चुनावी रण में उतार कर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। आप भी सुनिए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए जमकर कोसा। हमारा कर्नाटक, मैं छोटा सा तब से राजनीति का रवि नहीं जानता था, तब से हम कर्नाटक की गौरव गाथा सुनते आए हैं। यहाँ के लोग, यहाँ का जीवन, यहाँ की शांति, हर कोई तारीफ करता था, हर कोई तारीफ करता था। लेकिन उस कर्नाटक की इस विरासत को भी चूर चूर करने का काम कांग्रेसी सरकारों ने किया। एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व भर में भारत की ख्यातनामी बढ़े, भारत में विदेश के लोग आए, पूंजी निवेश करें, भारत के लोगों को हक मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस के शासन में क्या हो रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योजनाएं बना रहा है और दुनिया में पहली बार हुआ 42 आंक हम आगे निकल गए, हमारी ऊंचाई बढ़ गई, हमारे नाम बढ़ गया देश का। लेकिन कर्नाटक की बात आती है तो यहां उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। ये दुख की बात है कि राजनीतिक हिंसाओं के प्रति सरकार उदासीन है।
और ये मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में देश तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहा है, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग मर्डर कर दिया है। कर्नाटक के रण में पीएम मोदी की दहाड़, 12 मई तक सियासत से लेकर वोट बैंक में परिवर्तित कितना कर पाते हैं ये तो 15 मई को ही पता चलेगा। एसपीएन न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी किसी नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।